नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये है रियलमी 5i, जिसमें चार कैमरे मिल जाते हैं आपको। इसकी जो प्राइस है वो है 9,000, इसमें 5,000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। दोस्तों, इस फोन में हम बात करेंगे इसके टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो ऐसे जो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो टॉप 10 ट्रिक्स जो आपको जानने चाहिए अगर आप अपना रियलमी फ़ोन पहली बार यूज़ कर रहे हो या कोई भी रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारे टिप्स है, लेकिन ये जो टिप्स है काफ़ी कम लोगों को पता होंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए अगर आप सारे इस हिडन फीचर्स को, टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना चाहते हो, तो ताकि आप अच्छे से अपने फ़ोन को, इस रियलमी 5i के फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर सको। दोस्तों, एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे आपने फ़ोन लिया होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको कुछ 15 जो क्विक सेटिंग टॉगल्स है वो दिखाई मिलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है एक, बहुत सारे जो आइकॉन्स है या फिर क्विक सेटिंग टॉगल्स है वो काफ़ी मतलब काम के ही नहीं है, तो आप उन्हें हटा सकते हो। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप यहाँ पे 16 टॉगल्स ही रख सकते हो, तो 16 टॉगल्स के अलावा आप ज़्यादा नहीं रख सकते। तो मैं क्या करूँगा, जो नहीं काम के हैं उसे मैं निकाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को नहीं रखना चाहता तो उसे मैं निकाल दूंगा, नीचे कर लीजिए आप। क्लीन स्टोरेज को नहीं रखना चाहता मैं यहाँ से, फिर डू नॉट डिस्टर्ब को नहीं यूज़ करता मैं, फिर गूगल असिस्टेंट यहाँ से नहीं यूज़ करूँगा, और इसके साथ साथ मैं रियलमी शेयर भी यहाँ से यूज़ नहीं करूँगा। अब यहाँ पे बचते हैं कुछ स्पेस, तो आप अब इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आप तो डार्क मोड आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे करना चाहिए पर्सनल हॉटस्पॉट, जो आप ज़्यादा यूज़ करोगे, जो वाईफाई हॉटस्पॉट हम कहते हैं उसे, वो आप इसे कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन कास्ट भी रखना चाहिए अगर आप स्क्रीन कास्ट का यूज़ करते हो तो। इसके अलावा आप जो वन टैप स्क्रीन लॉक, ये भी आप यूज़ करना चाहते हो अगर स्क्रीन लॉक को लॉक करना चाहते हो स्क्रीन को। और इसके बाद आप 100 मोड या जो भी हो, आप 16 कोई भी आइकॉन यहाँ पे रख के डन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे भी डार्क मोड का भी यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो डार्क मोड इनेबल हो चुका है। इसके अलावा आप स्क्रीन कास्टिंग भी कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यहीं से आप 100 मोड भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ पे वन टैप लॉक स्क्रीन है वो भी कर सकते हो। तो अपनी जो आपकी जो स्क्रीन स्क्रीन होगी वो लॉक हो जाएगी इस तरह। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो क्विक सेटिंग टॉगल में। सेटिंग्स में जैसे आप जाते हो तो आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनेबल करनी है, जैसे कि आपको बैटरी परसेंटेज शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो आपको करना ही है ताकि आपको बैटरी परसेंटेज आपकी दिखाई दे और यहाँ पे आपको जो नेटवर्क स्पीड है वो भी आपको दिखाई दे। अगर आप चाहते हो जब भी कोई नोटिफिकेशन आती हो तो आपका फ़ोन लाइट अप हो, टर्न ऑन हो, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, ताकि कोई भी जब आए नोटिफिकेशन तो आपका जो फ़ोन है वो लिट अप होगा, टर्न ऑन हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि वही नोटिफिकेशन आई हुई है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे आप फेस अनलॉक यूज़ कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि जब आप फेस को करते हो तो आपका फ़ोन अनलॉक तो हो जाता है, लेकिन वो अनलॉक पूरी तरह से होता नहीं है, जो होम स्क्रीन होती है वो ऑन नहीं होती है, आपको स्वाइप करना पड़ता है इस तरह, तब जाके स्क्रीन ऑन होती है। तो आप चाहते हो कि डायरेक्ट फेस जैसे दिखाता हो डायरेक्ट होम स्क्रीन ओपन हो जाए, तो आप कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको जाना है फेस फिंगरप्रिंट पासवर्ड में, इसके बाद आपको फेस में जाना है, और बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो बाय स्वैपिंग अप और डायरेक्टली विद योर फेस, तो आपको डायरेक्टली विद योर फेस उसे इनेबल करना है। और इसके बाद आप देख सकते हो आप अब करोगे तो आपका जो फ़ोन होगा वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा, आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये फ़ोन OTG सपोर्ट करता है, तो आपको डायरेक्ट पेन ड्राइव आप कनेक्ट कर सकते हो इस फ़ोन में। अगर मैं फ़ोन में इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर ली है इस फ़ोन में, लेकिन यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कनेक्ट हो चुकी है, तो ये नहीं होगा जब तक आप OTG को इनेबल नहीं कर लेते सेटिंग्स में जाके। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होगा OTG कनेक्शन, इसको आपको इनेबल करना है, तब जाके जो OTG होगा, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई देगा जो OTG जो आपने जो पेन ड्राइव कनेक्ट की है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है OTG, और फिर ये OTG में जो सारे हैं ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप शॉर्टकट तरीके से भी अपने प्राइवेट सेफ बॉक्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो फिंगरप्रिंट रजिस्टर किए हुए हैं, मेरा राइट हैंड का फिंगरप्रिंट और मेरा लेफ्ट हैंड का फिंगरप्रिंट। जो राइट हैंड का फिंगरप्रिंट होता है मैंने अनलॉक करने के लिए रखा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड का है मैंने प्राइवेट सेफ को एक्सेस करने के लिए किया है, मतलब जो भी मैंने हाइड किए हुए हैं कंटेंट, हाइड एप्स किए हुए हैं, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है शॉर्टकट से आसानी से, तो मुझे अनलॉक करना है फ़ोन को मेरे लेफ्ट फिंगर से, लेफ्ट हैंड के फिंगर से। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसे अनलॉक करता हूँ मेरे फ़ोन को, तो ऑलरेडी हिडन एप्स यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइवेट सेफ में जाके आप फोटोज़ भी एक्सेस कर सकते हो, वीडियोज़ भी, ऑडियो भी, और इसके साथ साथ जैसे आप
जो हिडन एप्स होंगे उन एप्स को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये करना कैसे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, आपको फिंगरप्रिंट में जाना है, और इसके बाद फिंगरप्रिंट में जाके आपका जो पासवर्ड होगा वो डालना है, और बाद में आपको यहाँ पे दो फिंगरप्रिंट पहले तो रजिस्टर करने, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको हिडन एप्स क्विक स्टार्ट, यहाँ पे फिर करके आपको जो भी फिंगरप्रिंट जो प्राइवेट सेफ के लिए यूज़ करना है आपको इसे इनेबल करना है, तब जाके जो आपका जो फिंगरप्रिंट होगा जो लेफ्ट हैंड का जो कोई भी होगा वो आप यूज़ करते हो तो जो प्राइवेट सेफ होगा वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप हिडन एप्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई फोटोज़ हाइड कर ली होंगी तो आपको फोटोज हाइड करने के लिए करना होता है, आप इसे क्लिक करते हो, फिर आप सेट इज़ प्राइवेट, प्राइवेट कर लिया आपने, अब इसे देखना कैसे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है टैब पे, इसके बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है या फिंगरप्रिंट देना है, इसके बाद जो भी आपने फोटोज़ या जो वीडियोस हाइड किए होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप अलग अलग तरीके से प्राइवेट सेफ को एक्सेस कर सकते हो अपने इस रियलमी 5i के फ़ोन में। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने थीम यहाँ पे चेंज करके रखी हुई है, जो आइकॉन्स है अलग दिख रहे हैं और फ़ोन भी अलग दिख रहे, तो हमने थीम और फ़ोन को चेंज कर लिया है, तो आप ये कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे फ्री थीम्स और ज़्यादा फ्री फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन छः छः आपको फ्री थीम्स और छः फ़ोन फ्री में मिल जाते हैं। तो आपको करना है, आपको ऐसे पिंच करना है और सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे आपको जाना है सेट थीम्स में, और इसके बाद डाउनलोड मोर में। तो डाउनलोड मोर में जाके आप यहाँ से थीम्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको अगर परचेस करना हुआ तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आपको ओनली फ्री के ही थीम्स चाहिए तो आप फ्री थीम्स पे क्लिक कर सकते हो, तो सारे जो फ्री के थीम्स होंगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, तो आप उन फ्री थीम्स में जो अवेलेबल है, अभी 6 अवेलेबल है, तो आप 6 थीम का यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके। यहाँ पे पबजी के 2-3 हैं और कुछ है नेचर के। इसके बाद दोस्तों आपको अगर फ़ोन भी डाउनलोड करना हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन भी यहाँ पे परचेस करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे 6 जो फ्री फ़ोन से आपको मिल जाते हैं, तो आप फ्री फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, तो आपको रिस्टार्ट करना नहीं पड़ता, अपने फ़ोन को रिबूट करना नहीं पड़ता है, काफ़ी अच्छी बात है। आपका जो फ़ोन होता है, जो सिस्टम का फ़ोन, इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो मैंने जो फ़ोन है वो चेंज करके रखे हुए, तो इस तरह जो कॉमिक बुक कहते हैं इसे, इस तरह ये फ़ोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो आप इस तरह फ़ोन और थीम्स चेंज कर सकते हो अपने Realme 5i के फ़ोन में। दोस्तों कई बार होता है कि हमें अनोन नंबर से कॉल आता है और हमें फिर देखना पड़ता है कि ये भाई किसका नंबर है, तो हम ट्रू कॉलर का यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों हम ट्रू कॉलर का यूज़ किए बिना भी इस फ़ोन में जो नंबर की डिटेल्स है वो देख सकते हैं। तो आपको जाना है सिक्योरिटी में, और इसके बाद जाना है अनोन नंबर आइडेंटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे तीनों को इनेबल कर लेना है ताकि आप अच्छे से जो कोई भी कॉल आता हो तब आप उसकी डिटेल देख सके। दोस्तों आपको ऑटो ऑन ऑफ भी यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ या स्विच ऑन जो कहते हैं, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, मतलब आप अगर आपको टाइम देना होता है उस टाइम पे जो फ़ोन होता है अपने आप ऑफ हो जाता है और सुबह के टाइम में अपने आप ऑन हो जाता है, तो आप ये फीचर का यूज़ कर सकते हो। आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे जाना है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ में। तो चाहते हो कि किस टाइम पे वो ऑन हो जाए, तो सुबह का टाइम अगर 7 दिया है तो आप कर लीजिए ऑन, और चाहते हो कि ऑफ हो 11 बजे तो आप कर सकते हो। किस दिन के लिए, तो आप दिन भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, रिपीट करना है या संडे को करना है, मंडे को करना है, उस हिसाब से आप डे भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जो टाइम है उसे भी चेंज कर सकते हो। तो ये था शेड्यूल पावर ऑन ऑफ के बारे में। दोस्तों फिर आप इस फ़ोन में ऐप क्लोन का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप एक साथ दो ऐप का यूज़ कर सकते हो एक ही फ़ोन में, दो दो अलग अलग अकाउंट से, तो आपको ये मिल जाता है ऑप्शन ऐप क्लोनर में। तो ऐप क्लोनर में जाके आपको जो भी ऐप आपने डाउनलोड किए होंगे जो सपोर्टेड होंगे यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, और कौन कौन से जो सपोर्ट करते हैं आपको अगर देखना है तो ऐप मार्केट में जो भी होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो ऐप यहाँ पे दिखाई देते हैं आप उन्हें क्लोन कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, मैसेंजर होगा, हाइक होगा, वाइबर होगा, इंस्टाग्राम, स्काइपी। दोस्तों अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन करना हुआ है, दो स्क्रीन में काम करना है, दो अलग अलग ऐप में काम करना है एक साथ, तो आप कर सकते हो। आपको स्प्लिट करने के लिए स्वाइप अप करना है 3 फिंगर से, तो आप देख सकते हो जो स्क्रीन है स्प्लिट हो चुकी है, और आपको यहाँ पे नीचे कोई भी अगर करना हो, कैलकुलेटर करना है, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो नीचे में। तो आप इस तरह दो ऐप का यूज़ एक साथ कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन की यूज़ करके। और इसके अलावा आपको अगर करना है तो आप यहीं से भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको स्प्लिट स्क्रीन का, तो आप यहीं से भी स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना हो तो आप हमें पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास कोई है सुझाव तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।